माह रमजान मुबारक की मुनासिबत से सियासी लीडरों की जानिब से इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। मोहतरमा कनीज फातिमा एमएलए गुलबर्गा शुमाल की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। एमएलए गुलबर्गा शुमाल मोहतरमा कनीज फातिमा की जानिब से एएन बैंक्वेट हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। बैन मजहबी दावत इफ्तार में हज़्ब रिवायत रोजेदारों की भारी तादाद देखी गई। मरहूम रहनुमा डॉक्टर खमरुल इस्लाम के फर्जंद फराजुल इस्लाम ने इस मौके पर मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस दावत इफ्तार में तमाम मजाहिब के मजहबी रहनुमाओं को मदु किया गया था। इस मौके पर दावत इफ्तार में पहुंचे तमाम मजहबी रहनुमाओं की गुलपोशी व शालपोशी की गई। गुलबर्गा एमपी और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके अलावा रियासती वजीर राजशेखर पाटिल हुमनाबाद ने भी इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मोहब्बत से एक दूसरे से गले को मिलना और एक शांति का माहौल और दोस्ती का हाथ बटाने का एक समय, तो ये बहुत बड़ा ये है। और खास करके जो अल्लाह का मैसेज है सारी दुनिया को, तो वो मैसेज का भी असर यहाँ पर दिखता है। एक महीने तक जो ये रमजान जो माइनॉरिटीज भाई जो करते हैं, बहुत ही पवित्र दिन है और उसमें 5 बार नमाज पढ़कर और जो इफ्तार के अरेंजमेंट करते हैं सभी लोगों को बुलाकर और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग सभी जात के लोग इसमें ये जो इफ्तार में जो ये जमा होते हैं। मजहबी रहनुमाओं ने बड़े शौक से इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि दुनिया में इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता और दुनिया के तमाम मजाहिब इंसानियत की ही तालीम देते हैं। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि दुनिया के कई अदियान में मुआसिलत पाई जाती है। लिंगायतरिगे मत्तु मुस्लिम बांधवरु वंदे तत्व वंदे सिद्धांत ನಾವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು 3 ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರು 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಮ್ಮರ್ ಪೈಗಂಬರರು ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ರಂಜಾನ್ our Muslim brethren are fasting, saving their money, giving the zakat and giving help to the poor people, which means they are doing a lot of humanitarian work during this season. And very gathering itself is helpful for all of us, people of different religions, to come together. It gives a very good platform that we can stand together in this country. यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि मरहूम रहनुमा खमरुल इस्लाम ने 40 बरस कबल बैन मजहबी दावत इफ्तार का सिलसिला शुरू किया था। गुज़िश्ता बरस इनके इंतकाल के बाद ये पहली दावत इफ्तार थी। आज की इफ्तार पार्टी बहुत शानदार रही, काफ़ी लोग आए थे, हर कम्युनिटी के लोग थे, खड़गे साहब भी आए थे। अच्छा, काफ़ी अच्छा इंतजाम भी था, अच्छी दावत थी।